मेरे माँ के जीवन की कहानी है कि जब माता जी बता रही थी कि मैं बचपन में एक साधु का दर्शन किया उन्होंने और वो साधु भजन गाता था और प्रवचन सुनाता था और वो साधु जिधर चलता था उसके पीछे पीछे 200-500 लोग चलते थे। काशी बनारस से आता था, संत प्रसाद साहेब उनका नाम था, और थोड़ा थोड़ा प्रवचन भी सुनाते थे। बड़े प्यारे संत थे। उनका दर्शन जब माँ ने किया तो माता जी बता रही थी कि मैंने सोचा कि ऐसा मेरा भी बेटा कोई संत होता और प्रवचन सुनाता और भजन सुनाता, उसके पीछे पीछे भी 200-300 लोग चल देते, अच्छा लगता। बोले ऐसा मैंने सोचा। और उसके एक साल के अंदर में ही तुम्हारा जन्म हुआ और बचपन से ही तुम्हारे संस्कार साधु जैसे दिखने लगे, तो मैंने सोचा यही साधु बनेगा। तो गांव में कोई भागवत कथा होती थी तो माता जी पूछती थी सब भाइयों से, एक भागवत कथा कौन सुनने जाएगा? तो मैं हाथ ऊंचा कर देता था, मैं जाऊंगा। और मैं स्नान करके बनियान पहन कर तिलक लगा कर और बैठ जाता था भागवत कथा। पंडित जी जो भागवत कथा सुनाते थे उसको 70% में याद कर लेता था, कहानी वहानी सब। और बात को थोड़ा पंडित जी को सुना देता था, थोड़ा घर में आके सुना देता था। तो पंडित जी कहते थे तुम भी कथाकार बनोगे एक दिन, लग रहा है। हमने कहा बनेंगे क्या, बन ही गए, अब कपड़ा बदलना है बस। माता जी की खुशियां बढ़ती चली गई, शिक्षा पूर्ण होने के तट पर पहुंच गई, पोस्ट ग्रेजुएट की शिक्षा प्राप्त किया, जितने क्लास होते सब पढ़ लिया। ऐसा नहीं कि मैं अनपढ़ हूँ, अनपढ़ नहीं हूँ, बहुत पढ़ाई किया, हिंदी भी, इंग्लिश भी, संस्कृत भी, मैथमेटिक टॉप, मौखिक मैथ लगा देता हूँ बहुत सारी, क्योंकि मैं कोई काम करता था तो पूरा उसमें लीन हो जाता था। तो मैंने एक दिन अपने घर में कहा कि मैं साधु बनूंगा, तो मेरी माँ ने मुस्करा कर कहा कि जल्दी से घर छोड़कर भाग जाओ। तो मैंने कहा कहाँ भाग जाऊँ? तो बोले कहीं भाग जाओ, यहाँ से निकल जाओ, बस सब कल्याण हो जाएगा। बोलिए घर के घोंसला में माया मोह का फंदा बहुत जटिल है, मैं तो तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था तभी सोची थी कि तुम साधु बन जाओ, तुम जाओ निकलो। तो मैंने कहा सौभाग्य है, जिसकी माँ चाहती हो बेटा संत हो जाए, ऐसी कोई बिरले माँ होती है। माँ भी सोचती है कि जिस जंजाल में मैं फंसी हूँ उसी जंजाल में बेटा भी फंस जाए तो ठीक है। जही जंजाल फंसे पितु माता, पुत्र फंसा वहीं कहीं कुशलाता। उसी जंजाल में सबको फंसाते हैं और ये जंजाल से निकलना भी बहुत कठिन है। तुम घर छोड़कर भी चले जाओगे, उत्तर प्रदेश छोड़कर निकल जाओगे तो महाराष्ट्र में नया जंजाल बना लोगे। ऐसा थोड़े कि तुम्हारे घर पर ही जंजाल है, तुम जहां जाओ वहां जंजाल है। ये अंदर जाल होता है, बाहर जाल कहीं नहीं है। तुम्हारे अंदर जाल है तो जहां चाहो जाल फैला दोगे, तुम खुद फंसोगे। मकड़ी को बाहर का जाला नहीं फंसाता है, मकड़ी खुद जाला बनाती है और खुद फंसती है और कीड़ों को भी फंसाती है। ऐसे मनुष्य भी माया का जाल खुद बनाता है और खुद फंसता है और दूसरों को भी फंसाता है। जब मैं संत हो गया और प्रवचन देने लगा
मेरी माता भी बैठकर प्रवचन सुनती थी, वो हंसती बहुत कम थी, मैं बहुत डबल हंसता था बचपन से ही, तो माता जी मंद मंद मुस्कुरा देती थी और ब्यास गादी पर जब दक्षिणा देने आती थी तो मैं बोलता था माता जी बड़ा नोट देना आप, तो बोलती थी हाँ हाँ बड़ा दे देंगे, हमने कहा तुम्हारी कृपा से साधु बना हूँ, निकालो रुपया सबसे बड़ा नोट, तो बटुआ खोलती थी। मैंने कहा आनंद आ गया प्रवचन में, बोले हूँ आनंद आ गया हूँ, ऐसे बोलती। तो मैंने कहा जैसा तुमने सोचा था वैसा ही संत बना हूँ, बोले वैसा तो नहीं बने, उससे 10 गुना ज्यादा बड़े संत हो गए, मैं इतना थोड़े इरादा किया था, तुम्हारे पास तो 10,000-20,000 लोग प्रवचन सुनते हैं, 3 दिन हो गए मुझको, तीसरे दिन दर्शन पाई हूँ तुम्हारा, भीड़ में आना मुश्किल है। हमने कहा एक माँ नहीं है, जितनी माँ आती हैं वह सब मेरी माँ हैं और जितने पुरुष आते वह सब पिता भाई हैं, सबको दर्शन देना है, 3 बेटियों का सम्मान करना। न जाने कौन सी बेटी वीर शिवाजी को जन्म देते, देश की रक्षा के लिए भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बटुकेश्वर दत्त, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद को जन्म दे दे, न जाने कौन बेटी मुझ जैसे संत को जन्म दे, न जाने कौन बेटी माँ बन करके लाल बाबा को जन्म दे और लाल बाबा हमें बुलाकर आपको दर्शन करा दे। इसलिए बेटियों को भी प्रेम देना, कोई तुम्हारा बेटा पढ़ने में कमजोर हो उसको भी प्रेम दीजिए, क्योंकि केवल पढ़ने से ही सफलता नहीं मिलती, याद रखना, पढ़ना जरूरी है ये भी याद रखना, लेकिन केवल शिक्षा से कोई सोचे कि हम सफल हो जाएंगे, कभी नहीं। सफलता के लिए बहुत से अंगों की जरूरत होती है, भाइयों और बहनों, एक बालक स्कूल पढ़ने जाता था, पढ़ने में कमजोर था, शैतानी में ताकतवर था, शिक्षक परेशान हो गए, नाम काट दिया, रिस्ट्रिकेशन कर दिया, घर में आकर बैठ गया। माँ एक दिन उसका हाथ पकड़कर रोने लगी कि तू क्या करेगा, स्कूल से भी नाम कट गया तेरे, तेरे पिताजी परलोक चले गए और तू पढ़ने भी नहीं जा रहा है। तो उस बालक ने माँ के आंसू पोंछे और कहा कि माँ रोना तो बिल्कुल नहीं, अगर मैं पढ़ लेता, पास हो जाता, सर्विस पा जाता तो दूर रहता, अब मैं फेल हो गया, स्कूल से निकाल दिया गया, अब तेरे पास रहूँगा, पास हो जाता पढ़ने में तो दूर चला जाता, अब फेल हो गया स्कूल से निकाल दिया गया, तेरे पास रहूँगा, तेरी सेवा करूँगा, तू टेंशन क्यों ले रही है। माँ ने कहा तू मेरी सेवा क्या खाक करेगा जब तेरे को अकल ही नहीं है। तुष बालक ने कहा माँ पढ़ने से अकल नहीं बढ़ती है, पढ़ने से शब्दों का संग्रह होता है, बुद्धिमान था। तुलसीदास ने कौन सी डिग्री प्राप्त किया था, कबीर साहेब स्कूल ही नहीं गए थे, मेरे गुरु 4वीं तक पढ़े हुए हैं और मैं उनसे ज्ञान सीखता हूँ। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम स्कूल ही मत जाओ, उल्टा अर्थ मत लगाना, तुम्हें जाना पड़ेगा, सबकी परिस्थिति अलग अलग। वही बालक आगे चलकर माँ ने कहा तो क्या करना चाहता बता तो दे। बच्चा अगर पढ़ने में कमजोर है तो माँ को बहुत दुख होता है, बच्चा यदि बार बार फेल होता है तो पिता को पीड़ा होती है, क्योंकि उनको लगता है कि मैं तो 0 हूँ ही, लेकिन ये मेरा बेटा मेरे से भी ज़्यादा डबल 0 है। माता पिता घर की सफाई कर रहे थे, दिवाली का पर्व आने वाला था, एक मार्कशीट मिली तो उसमें देखा लिखा है फेल,
तो बच्चे को बुलाया, पिता ने कहा कि अरे इतने पैसे खर्च कर दिए, फेल हुआ, मार्कशीट चुपके से रखा चुरा के, दिवाली की सफाई मिल गई पता ही नहीं चला। और पिताजी ने एक थप्पड़ खींच कर मारा तो उस बच्चे ने कहा कोई बात नहीं पिताजी, थप्पड़ मारा, मैं आपका बेटा हूँ, थप्पड़ खाना चाहिए मुझको, लेकिन इस मार्कशीट को पढ़ो तो सही, ये किसका नाम लिखा है। तो पिता ने पढ़ा तो उस मार्कशीट में पिताजी का ही नाम लिखा था। बेटे ने कहा ये आपके फेल होने की मार्कशीट है, मेरी यहाँ नहीं है। तो पिता ने कहा कोई बात नहीं, बाप भी फेल बेटा भी फेल, दोनों का ये कहीं खेल, आओ बिठा ले तालमेल, बाप भी फेल बेटा भी फेल। बाप का मन दुखी हो गया। हर माँ बाप ये सोचते हैं मैं जैसा भी हूं हूं, लेकिन मेरा बेटा मेरा लाल कमाल करे। हर गुरु सोचता है मेरा शिष्य मेरे से ज्यादा महान हो। जब शिष्य बिगड़ने लगता है, शिष्य कमजोर होने लगता है, शिष्य जब गलतियां करने लगता है तो गुरु को ऐसा दिखता है कि भविष्य में धर्म की रक्षा कौन करेगा। ये साधु धर्म की रक्षा के लिए होता है, ये साधु ऐसा नहीं वीरपुर में भंडारा खाने के लिए आया है। कहीं भी जाओ भूख लगती तो दो रोटी खाना पड़ेगा। राजेंद्र तोमर तुम भी दो रोटी खिला देना एक बार। आज राजेंद्र तोमर से मैंने पूछा कि तुम्हारा विधायक में नाम चल रहा है, बोले आपकी कृपा है, तुमने कहा 21,000 दे देना यहाँ के सत्संग में, बोले ये तो बहुत बड़ी कृपा है। बहुत बड़ी श्रद्धा। वो बालक अपनी माँ से कहता है माँ तेरा प्रेम मुझसे बहुत ज्यादा है, मैं पढ़ने में 0 हूं फिर भी तेरा प्रेम अपार है। और याद रखना कि आपका बच्चा बुद्धि में कमजोर हो फिर भी इसको प्रेम दे देना, कोई बात नहीं। शिष्य कोई पढ़ने में कमजोर हो फिर भी उसका गुरु को ध्यान रखना चाहिए, और जो पढ़ने में टाप हो उस पर भी कृपा रखना चाहिए। आपकी बेटी पढ़ने में टाप कर रही है, आज मेरे पास में कोई एक बेटी आई, उसने कहा कि आशीर्वाद दीजिए, बहुत से लोग थे 50 लोग, मैंने ऐसे हाथ कर दिया कि जाओ, वो हटी ही नहीं। मैंने कहा क्या बात, तेरी भाषा समझ में नहीं आती, बोली बारहवीं पढ़ नहीं होनी, ना कम बोली कि बारहवीं पढ़ रही हूँ। तुमने कहा तो फिर, बोले पास हो जाऊँ, तुमने कहा टाप कर जाएंगी, तो कैसे टाप करेगी। मैंने कहा तू आंखें खोलकर देखना मत किसी तरह, और लड़कियों से भी दोस्ती मत करना, और लड़कों की तरफ देखना मत, और जब अफसर बन जाना तो आंखें खोल देना, पूरी दुनिया देख लेना, तो टाप कर जाएंगे। जिसको दुनिया में टाप करना है उसको अपने लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ दिखना नहीं चाहिए। अगर टाप करना है और टापो टाप करना है, अर्जुन से पूछा गया तुम्हें क्या दिख रहा है, तो उन्होंने कहा केवल मछली की आंख दिख रही है, बस बाण छोड़ दिया, निशाना लग गया, द्रौपदी के साथ विवाह हो गया, लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। अगर विद्यार्थी को मोबाइल दिखता है तो समझ लेना टाप नहीं करेगा, यदि विद्यार्थी को फैशन दिख रहा है तो टाप नहीं करेगा, यदि विद्यार्थी को ये दुनिया का सारा संगीत म्यूजिक गाने बजाने सब दिख रहे सुनाई दे रहे हैं तो टाप करने में बाधा पड़ जाएगी। याद रखना आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए, ध्यान केवल और केवल आपके लक्ष्य शिक्षा पर केंद्रित होना चाहिए। आपके पास में इतना बड़ा बुद्धि का खजाना है कि तुम जरूर टाप करोगे, चाहे बेटी हो या बेटा है, लेकिन टाप हो जाओ। मेरे गुरुदेव ने मुझसे कहा कि श्लोक याद करो, तो मुझे ये संस्कृत भाषा बिल्कुल पसंद नहीं थी, अब तो पसंद है। तो मैंने कहा गुरुदेव ये अड़म गड़म भाषा है, मुझे पसंद नहीं। हाँ इसमें क्या उल्ट पल्ट मामला है सब। अयम निजा परोबित गणना लघुचेत साम
उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम निंदंतु नीति निपुण यदि वा अस्तवंतु। तो मेरे को ये अच्छा नहीं लगता था जिसका उच्चारण ही। गुरु ने जोर देकर कहा कि तुम श्लोक याद करो, प्रवचन में श्लोक भी सुनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा अच्छा गुरु जी, आज रात में याद करता हूँ। जिस व्यक्ति को एक श्लोक भी नहीं याद था, वो व्यक्ति संकल्प लेता है, एकाग्र हो जाता है। रात में सब संत जब सो जाते हैं 10 बजे रात को, तो मैं भी साथ में सो जाता हूँ। आधा घंटे बाद उठ करके आंगन में बल्ब जल रहा था, वहाँ किताब लेकर मैं बैठ जाता हूँ। मच्छर काटता तो फिर टहलता हूँ, पढ़ता हूँ। 2 घंटे में 29 श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के याद करके कंप्लीट करके सो जाता हूँ। और सवेरे गुरुदेव को जब 29 श्लोक सुनाया तो गुरुदेव ने कहा तुमको तो बिल्कुल संस्कृत पसंद नहीं थी, 29 श्लोक एक बार में याद किया। अरे बोले गुरुदेव, आपका आशीर्वाद होगा तो बस 10-12 दिनों में गीता कंप्लीट कर दूंगा। संकल्प बनाओ, 100-100 दोहा याद हो जाएंगे, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। और मैं तो बेटियों से कहता हूं तुम कलेक्टर बनो, और कलेक्टर बन करके मीराबाई जैसे भक्ति के गीत गाओ। छत्तीसगढ़ में एक कलेक्टर महिला मुझसे मिलने के लिए आई और उसने कहा कि मैं गुरुदेव से बहुत प्रश्न पूछूंगी, तर्क करूंगी। तो मैं थोड़ा डर गया कि कलेक्टर है, तर्क करेगी, हार गया तो क्या होगा, इसलिए ना पूछे कुछ तो अच्छा है। 15 मिनट उसको इंतजार करना पड़ा। जब मैं अपने कमरे से निकला, मिलन कक्ष में गया, तो वो मुझको देखा, दर्शन किया, तो उसके प्रश्न वर्षन पता नहीं क्या हो गया उसको। कलेक्टर थी, अभी भी है, वो रोने लगी। तो मैंने कहा कि रोइए मत बहन जी, आप कहाँ से? बोले मैं रायपुर से कलेक्टर हूँ। तो मैंने कहा कि आपके बारे में तो सुना था, प्रश्न पूछने आए। अरे बोले प्रश्न भी चले गए, उत्तर भी चला गया, आप कुछ भी नहीं बचे। तो हमने कहा हुआ क्या? तो बोले हुआ ये कि आपका दर्शन करते ही मुझे लगा कि साक्षात भगवान के रूप आप आ गए, तो मेरा मन शांत हो गया। तो मुझे आंसू आ गए कि ऐसे संत का जीवन में पहली बार दर्शन की हूँ। अब मुझे प्रश्न नहीं पूछना है, अब मुझे जिंदगी में प्रसन्न नहीं रहना है, ऐसा संत मिल गया है। वो बालक अपनी माँ से कहता है, माँ मैं वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ। माँ ने कहा एक अक्षर पढ़ा नहीं वैज्ञानिक बनेगा, अज्ञानी आदमी विज्ञानी बनेगा। उसने कहा माँ मेरी इच्छा है। तो माँ ने उसका हाथ पकड़कर वैज्ञानिक के पास पहुँचा कर छोड़ दिया और कहा मेरे बेटे को वैज्ञानिक बना दो। जो लोग डॉक्टर की डिग्री नहीं प्राप्त कर पाते, MBBS AMBS BAMS, तो वे लोग किसी अच्छे डॉक्टर के पास में जा कर के सीखते हैं और कभी कभी वो भी टॉप कर जाते हैं। तो वैज्ञानिक ने कहा कि अपने बेटे को यहाँ छोड़ जाइए, 2 दिन के बाद आना, मैं बताऊंगा ये वैज्ञानिक बनेगा कि अज्ञानिक बनेगा। वैज्ञानिक ने उस बेटे को हाथ में झाड़ू थमा दिया, कपड़ा थमा दिया, झाड़ू पोंछा कि विज्ञान प्रयोगशाला को साफ करो। वो बालक सुबह से सफाई शुरू करता है, खाना पीना भूल जाता है, सोना भूल जाता है, पूरी विज्ञान प्रयोगशाला को कपड़े से पोंछ पोंछ कर झाड़ू लगा लगा कर खुरच खुरच कर साफ कर रहा है। वैज्ञानिक ने देखा कि 8 घंटे से जुटा हुआ है, पूछा कि नाश्ता किया? बोले नहीं। भोजन? बोले नहीं। बोले सोओगे नहीं, रात हो गई? बोले नहीं। वैज्ञानिक ने कहा तुझे मेरा नमस्कार है, तू मेरे से बड़ा वैज्ञानिक बनेगा, क्योंकि जो गाड़ी को अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर साफ कर सकता है वो एक दिन बहुत अच्छा ड्राइवर भी बन सकता है, बहुत अच्छा ड्राइवर बन सकता है। वही बालक आगे चल करके 2500 रिसर्च करता है। ये मैं कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि तुम्हारा मनोबल कमजोर नहीं होना चाहिए। 2500 रिसर्च, ये जो बल्ब जल रहे हैं उसी का रिसर्च है, ये माइक उसी का रिसर्च है, कैमरा उसी का रिसर्च है, जो स्कूल में पढ़ नहीं पाया था, स्कूल से निकाल दिया गया था।
उस वैज्ञानिक का नाम था थॉमस अल्वा एडिसन, अंग्रेज था वो बालक। तुम्हारे अंदर वैज्ञानिक होने की सामर्थ्य छिपी हुई है, तुम्हारे अंदर एक महान संत बनने की भी सामर्थ्य छिपी हुई है, और तुम्हारे भीतर कवि होने की भी सामर्थ्य है, तुम्हारे भीतर बहुत बड़े बिजनेसमैन बनने की सामर्थ्य है। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। अपने तेज को तो संभालो, देखो तो तुम्हारे अंदर कितनी शक्तियां हैं। तुम अपनी शक्तियों को सही प्रयोग कर लो, तुम साधारण नहीं रह सकते हो, बहुत आगे बढ़ सकते हो। और शक्तियां आपको प्रकृति ने फ्री ऑफ कास्ट दिया है, निःशुल्क शक्तियां मिली। जैसे आपको जवानी मिली है, तो जवानी के लिए कोई फीस पेमेंट करना पड़ा है? बोलो, फ्री मिली है। अभी जवानी कहाँ खर्च करना है ये तुम पर निर्भर है। जवानी तो मिल गई है, जवानी रावण को भी मिली थी, जवानी राम को भी मिली थी, जवानी सीता जी को मिली थी, जवानी शूर्पणखा को मिली थी, जवानी लक्ष्मण को मिली थी, जवानी विभीषण को मिली थी। विभीषण ने अपनी जवानी को राम की भक्ति में खर्च कर दिया, रावण ने अपनी जवानी को अत्याचार भ्रष्टाचार अनाचार दुराचार में खर्च कर दिया, और राम ने अपनी जवानी को परोपकार और सेवा में खर्च कर दिया, त्याग तप में खर्च कर दिया। तो राम जवानी में भगवान बन गए, और रावण राक्षस बन गया, और लक्ष्मण भगवान के भक्त बन गए, और विभीषण भी के भक्त बन गए, और सुपरखा जवानी में नाक कटा कर बैठ गई, और सीता जी अपनी जवानी को पा करके राम का ध्यान लगा करके मंदिरों में उनकी मूर्ति बैठ गई, सीता जी की भी पूजा होने लगी। आपकी जवानी का प्रयोग कहां हो रहा है? आपको सुनने की शक्ति मिलती है, कानों से सुन सकते हो, लेकिन सुनते क्या हो, ये महत्वपूर्ण है। केवल सुनना नहीं, सुनते क्या हो। सैया बलमों के गाने सुनोगे, खोपड़ी और बिगड़ती चली जाएगी। मेरा मन डोले मेरा तन डोले गीत सुनोगे, दिमाग डोल जाएगा पूरा। और ऐसे गीत सुनोगे, गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, छुरिया चल जाए मेरी मतवाली चाल पे, बस छुरिया के फिर तलवार भी चल सकती है। ये गाने सुनने के लिए कान नहीं है। जब भजन सुनोगे, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके चरणों में। इस तरह के कीर्तन सुनोगे जब, मेरी नाव को स्वामी भव से पार लगाते, तो आपके अंदर भक्ति बढ़ेगी। गंदे गीत सुनोगे, मन चंचल होगा। प्रवचन सुनोगे, पवित्रता बढ़ेगी। प्रपंच सुनोगे, मन मलिन होता चला जाएगा। और इस दुनिया में प्रपंच की भी कमी नहीं है, प्रपंच तो चारों तरफ है, और कितने लोगों की जिंदगी तो पूरा प्रपंच में ही बीतती है। प्रपंच किसे कहते हैं? आपको पता है, मुझे पता है, प्रपंच किसे कहते हैं? जब तुम अपने घर में बैठ करके अपने घर की प्लानिंग नहीं बनाते हो, आसपास के गाँव वालों के घर, पड़ोसियों के घर की बातें करते हो कि उनकी भैंस भाग गई है, उनकी बेटी भाग गई है। अरे अपनी भैंस देखो, अपनी बेटी देखो, तुम दूसरे की बेटी बता रहे हो, तुम्हारी भी भागने वाली है। ये फालतू प्रपंच में मत पड़ो, अपना कंट्रोल करो, क्योंकि गांव की एक लड़की भाग जाए तो गांव की जितनी लड़कियां बची हैं उनको भागने की हिम्मत आ जाती है। इसलिए एक लड़की को सोचना चाहिए, गलत कदम मत उठाना, तेरे पीछे सैकड़ों लड़कियां गलत कदम उठा देंगी, कितना पाप फैल जाएगा। इसलिए याद रखना, बुद्धिमान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति कभी गलती इसलिए भी नहीं करता, अगर मैं करूँगा तो मेरे पीछे गलती करने वालों की लाइन लग जाएगी तो संसार में कितना पाप बढ़ जाएगा। अपने माता पिता के सम्मान को भी ध्यान रखना। माता पिता से भी प्रेम कीजिए, उनके सम्मान को बढ़ाइए। याद रखना, धन खो जाएगा तो कल फिर कमा लोगे, सामान खो जाएगा बेगमगंज से खरीद लोगे, गाड़ी खो जाएगी तो रायसेन से नई निकाल लोगे, कपड़े खो जाएंगे तो दूसरे पहन लोगे,
सत्संग अगर छूट जाएगा वीरपुर का तो छिंदवाड़ा में आकर अमरवाड़ा में सुन लोगे, लेकिन यदि घर का सम्मान खो गया तो ये न बाजार में मिलेगा, न वीरपुर मिलेगा, न कहीं मिलेगा। इसलिए अपने घर के सम्मान को बनाए रखने के लिए कितना त्याग तप करना पड़े उसको कर लेना, लेकिन अपने सम्मान को खोने से बचा लेना। तू प्यार का सागरी है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, वाह वाह गाइए, सबकी आवाज आनी चाहिए। सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम। एक साथ ताली बजे। एक बूंद के प्यासे हम, लोटा जो दिया तूने, लोटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहां से हम। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है। संत कबीर ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, और मनुष्य प्रेम का सागर है। मनुष्य यदि खुश हो जाए, कुत्ते को भी प्रेम देता है, बिल्ली को भी प्रेम देता है, चिड़ियों को भी प्रेम से दाना चुंगाता है, मछलियों को आटे की गोली खिलाता है। और मनुष्य यदि दयाहीन हो जाए, प्रेम विहीन हो जाए, तो मछलियों को भी खा जाता है, चिड़ियों को भी खा जाता है। भगवान ने पृथ्वी की सफाई के लिए सुअर बनाया, वायुमंडल की सफाई के लिए चिड़ियों को बनाया, जल की सफाई के लिए मछलियों को बनाया, और उसके बाद उसने आदमी को बनाया। आदमी तो सब जगह गंदगी करता है, जल में भी जाएगा थूक देगा, पृथ्वी पर इधर उधर लेटरिन कर देगा, पेशाब कर देगा, बस देख लेता, कोई देख तो नहीं रहा, कोई नहीं देख रहा, तुम तो देख ही रहे हो, गंदगी कर देगा। बड़ा विचित्र है आदमी। आदमी जब तैयार हुआ तो आदमी ने क्या किया? पृथ्वी की सफाई करने वाले सुअर, जल की सफाई करने वाली मछलियों, आकाश की सफाई वाले चिड़ियों, इन तीनों की आदमी ने सफाई कर दिया, तीनों को खा गया। भगवान भी सोच में पड़ गया कि ऐसा इंसान पैदा हुआ, सफाई करने वालों की ही सफाई कर दिया। सुअर बिष्ठा खाता है, लेटरिन खाता है, और उस सुअर को आदमी खाता है। देखो कितना हिम्मत वाला है, इसको अगर 100 ग्राम लेटरिन दे दो तो नहीं खाएगा, लेकिन जो पूरे गांव की लेटरिन खाकर सुअर आया है उस सुअर को खा लेगा, और बोलेगा बहुत विटामिन प्रोटीन इसमें है, रहेगा ही क्योंकि टट्टी है ताजी भरी हुई। क्या लोग हैं, इतनी गंदी चीज खाते।